तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके पता चल गया होगा, हम आज अपने इस जियो फोन को कनेक्ट करने वाले हैं अपने एक ब्लूटूथ डिवाइस, स्पीकर के ब्लूटूथ डिवाइस की, जो कि एक ऑनलाइट की WS32 की मॉडल है। एक वायरलेस स्पीकर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस स्पीकर लिखा हुआ है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने जियो के फ़ोन से और आपको इसको प्रूफ भी दिखाएंगे कि इसमें इसका साउंड बजता है या नहीं। तो वीडियो को टेल एंड तक देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा। एंड इसी टाइप से रिलेटेड अगर आप वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ और भी ब्लूटूथ डिवाइसेस लाइक एयरफोन्स की उसकी बैटरी बैकअप, चार्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ हमने जो है कम दाम वाले ब्लूटूथ एयरफोन्स की अनबॉक्सिंग भी की है एंड उनका कुछ सॉल्यूशन भी दिया है चार्जिंग से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इस जो स्पीकर की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये WS ऑनलाइट 32 की, जो इसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसकी चार्जिंग, इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है एंड देन ये कितने घंटे की बैटरी बैकअप देती है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है एक्सेट्रा, ऑल ओवर कह सकते हैं मैं इसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने है एक जियो फोन और ये रही हमारे सामने एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि ऑनलाइट W32S की है, वायरलेस है। तो सबसे पहले इसे हमें टर्न ऑन कर लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पीछे एक ऑन ऑफ का स्विच मिलता है, इसको ऑन की तरफ आपको स्लाइड करेंगे एंड देखिए यहाँ पे एक कलर इंडिकेशन आ चुकी है। तो अब हम ऑन हो चुकी है और अपने फ़ोन में जो है फ़ोन में आना है और फ़ोन में आने के बाद जो है यहाँ पे आपको ब्लूटूथ में जाकर के सर्च नियर बाई सेलेक्शन कर सेलेक्ट कर लेना है और जहाँ से आपको जो नियर वाइज डिवाइस रहेंगी ब्लूटूथ डिवाइसेस वो आपको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल ये मेरा लैपटॉप को शो कर रहा है, देखते हैं अभी इसमें स्कैन करके। और ये देखिए हमारी WS की वो आ गई है ऑप्शन, तो इसको अब जो है हमें ओके कर देना है। और ये कनेक्टेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे सेटिंग्स में फिर से जाकर के दिखला दे रहा हूँ कि जहाँ पे वो कनेक्ट हुई है। देखिए पेयर डिवाइस में हम जाते हैं तो ये रही पेयर डिवाइस और पेयर डिवाइस में ये देखिए हमारा ये कनेक्टेड है WS32 ऑनलाइट के साथ। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को। फिलहाल अभी तो इसमें मेरा नेट नहीं है, इंटरनेट इसमें सिम भी नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, वरना मैं आपको इसका कुछ म्यूज़िक एक्सेट्रा भी प्ले करके आपको सुना देता। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं कि ये देखिए मैं सेटिंग्स में जा कर के इसके साउंड एंड म्यूज़िक को कुछ चेंज करता हूँ, शायद वहाँ से कुछ इसमें इसके जो सॉन्ग्स रहते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट रिंग टोन्स हैं। चलिए हम अलर्ट्स में ही चलते हैं, अलर्ट्स में देखते हैं कि हमें कुछ मिलती है या नहीं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो ये रहा साउंड ऑप्शन। तो साउंड ऑप्शन में वॉल्यूम पे हम आते हैं, ये देखिए देखिए हमारा दोनों में बज रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको दूर रखता हूँ, ये और ये, तो ये दोनों में अभी इस तरह से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल पे इसी टाइप से वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।